हेलो फ्रेंड्स, सारा कुकहाउस में मैं शबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक यूनिक रायता या फिर कोशिम्बिर की रेसिपी। आप सभी ने प्याज, ककड़ी या टमाटर का रायता ज़रूर खाया होगा, पर आपने अगर कभी पत्ता गोभी या कैबेज का रायता अगर कभी नहीं ट्राई किया है तो ये रेसिपी आपके लिए है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पत्ता गोभी से ये रायता बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने पत्ता गोभी को ग्रेट करके लिया है। आधा कप दही है, दो बड़े चम्मच ये मैंने मूंगफली को भून के क्रश करके लिया है, ऐसा मोटा मोटा क्रश करके लिया है मैंने। एक कड़ी पत्ता है, एक हरी मिर्ची बारीक काट के ली है मैंने, एक आधा छोटी चम्मच जीरा है, आधा छोटी चम्मच राई है, एक छोटी चम्मच चीनी लिया है मैंने, एक छोटी चम्मच नमक है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और थोड़ा सा तेल लगेगा हमें तड़का लगाने के लिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्रेट किया हुआ पत्ता गोभी हम दो बार धो के लेंगे पानी से अच्छे से। इस तरह से मैं इसे अच्छे से दो बार धो के लेने वाली हूँ। देखिए ये पानी निकाल दिया है इसमें का मैंने, अभी मैं इसे निचोड़ निचोड़ के एक बाउल में डालूंगी। एकदम फ्रेश गोभी लीजिए, अगर वो बासी होगा तो उसका क्रंचीनेस नहीं आएगा। ये मैंने इसे अच्छे से धो के ले लिया है, अभी मैं इसमें एक दही ऐड करूंगी। ये मूंगफली जिसे भून के मैंने इसे मोटा मोटा मिक्सी में से निकाला है, अभी मैं इसमें ये नमक और ये चीनी और ये थोड़ा सा कटा हुआ धनिया इसे मिक्स करके मैं साइड में रख लेती हूँ। अभी हम तड़का लगाते हैं। ये तड़का पैन मैंने गैस पे रख दिया है, थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ मैं इसमें, भी गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें राई डाल रही हूँ। ये राई के तड़कने के बाद ये जीरा डाल रही हूँ, ये हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। अभी हम इसे हमने जो बना के रखा है दही वाला मिक्सचर उसमें डालेंगे। तड़का अभी मैं इस में डाल रही हूँ। दही की क्वांटिटी आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी हमारा ये रायता बनके तैयार है। अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये पत्ता गोभी से रायता बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हमारा ये ठंडा ठंडा पत्ता गोभी से रायता या फिर कोशिम्बिर बनके तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए आज आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।